बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली अहमदाबाद और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नईम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे हमारे मुआशरे में बहुत नीच समझा जाता है। ये कोई और लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो आंखें नीचे करके और हमारे आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। आज का प्रोग्राम इन बेकारियों के नाम, जिनकी ना सिर्फ हाथ पाँव टांगे कटी होती हैं लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। ज़िंदगी की इस कश्मकश में हम इस कदर बेहस हो चुके हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ मिनट्स निकाल कर ये सोच लें कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। हम इनसे दो चार मिनट ये पूछ लें कि आखिर ये क्या हुआ है इन लोगों के साथ। तो आज मेरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों की कहानी हमें पता चल जाए, आखिर ये लोग भीख मांगने पर मजबूर क्यों हो गए हैं। क्या इनके रिश्तेदार अहबाब नहीं हैं? क्या इनकी औलाद नहीं है जो इन्हें संभाल सके? और दूसरी जानब अगर आप देखें, हमारे हुक्मरान, हमारे नुमाइंदे घरों में जाते हैं, एक बोरी आटे की देकर 10-10 फ़ोटो लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर अपलोड करके उन्हें बिल्कुल जलील और रुसवा करते हैं। तो क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती, उनको नहीं सोच आती कि जो सड़कों पर बैठे हुए हैं इन लोगों के पास भी जाएँ और इन्हें हम पूछें कि इन्हें क्या तकलीफ़ है? और अगर ये हमसे भीख मांग लेते हैं तो सबसे पहले तो हम आलम इस्लाम बन जाते हैं और भीख मांगना गुनाह है, ठीक है। अगर उसके बाद हम इन लोगों के साथ अच्छी खासी फ़िलासफ़ी करते हैं कि ये कमाते क्यों नहीं हैं, ये जवान हैं, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि इनका एक हाथ नहीं है, एक बाजू नहीं है। और मुझे पता है कि इस प्रोग्राम पर तनकीद भी होती है और मेरे प्रोग्राम का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी पर तनकीद करूँ या किसी की दिल आज़ारी करूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों से जान सकूँ कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो हम इसी हवाले से हम इन लोगों के पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर ये लोग इस कम ज़र्फ पेशे पर इतने मजबूर क्यों हो चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ ये मीर मोहम्मद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये आपके साथ कैसे ये हादसा हो गया कि आपके ये जो एहसान हैं ये ठीक नहीं है? हाँ, इनको समझ नहीं आ रही, पैदाइशी हैं या बाद में कुछ हुआ है? पैदाइशी हैं। तो आपका दिल नहीं करता कि लोगों को चलते फिरते देखते हैं तो मैं भी ऐसे चलूं फिरूं? मजदूर है ना, मत नहीं। तो आपके रिश्तेदार वगैरह किधर हैं? तो आपके रिश्तेदार नहीं हैं जो आपकी मदद करें? नहीं। कभी कोई नुमाइंदा नहीं आया जिसने आपकी कोई मदद की हो? मदद नहीं करते। नहीं करते? नहीं। तो कुछ लोग आपको बुरा भला भी कहते होंगे, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? ये नाजरीन, ये इनके आप सिक्के देख लें कि जब हम इन लोगों की मदद करते हैं तो पहले हम अपने जो जेब होती है उसे लाते हैं और सिक्के निकालते हैं, वो इन लोगों को देते हैं और इन पर एक एहसान मंद नज़रों से इन्हें देते हैं। तो मेरे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जितना आप लोग कर सकते हैं इस बंदे की मदद कर दें तो इनका कुछ भला हो जाएगा, जो कुछ भी हो सकता है। ये अब इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको बताता चलूँ, ये जहाँ पर भी घूमते हैं इनका तमाशा बन जाता है, तमाशा देखने लग जाते हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। तो मेरी सब लोगों से आपसे दरख्वास्त है, अगर इनकी जितना कुछ हो सके, एक रुपया भी है इनकी आप मदद कर सकें तो इनका कुछ हो जाएगा। जी नाज़रीन, एक तरफ हमने आपको बताया है कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं तो उनके एहसान नहीं होते हैं, माजूर होते हैं, उसी तरह हमें इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो इसके बावजूद माजूर हैं लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनके साथ ये क्या हादसा पेश हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उर्दू आती है? नहीं, उर्दू आती है। अच्छा, आप हमें बताएँ कि आपके साथ ये क्या हादसा पेश आया? बचपन में एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में, हम बहुत से मजदूर हैं ना इस दिन से, और जो हम मजदूर हो गए ना तो फिर हम और काम भी नहीं कर सकते ना, किसी से मांगने भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपने सोच से काम लगाया ना लोगों से। और ये कितनी उम्र में आपके साथ हादसा हुआ है? तकरीबन 17-18 साल उम्र में। 17 साल। और चारपाई पर भी रहे होंगे तो कितना अरसा? 5 साल तक हम बिल्कुल उठाते भी नहीं सकते। 5 साल तक आप चारपाई पर थे, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैसे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं बजाय इसके कि भीख मांगूं, मैं अपना एक कारोबार छोटा कर लूं? मेरी अपनी ज़मीर है ना, वो हमको ये मांगते नहीं है कि किसी से हम हाथ मिला के ना मुझे दे दो ना, लेकिन हमने भी आपको तकलीफ़ करना है और हम इतना माजूर है कि हम थोड़ा सा माजूर नहीं है ना, बिल्कुल पूरा माजूर है। और
आप इस गवर्नमेंट वाले से ज़रा भी उसको अब बता दें कि इसके साथ ज़रा नरमी करके ना, हम ये काम करने किसी से मांगता नहीं है ना, क्योंकि ये मेरी पसंद नहीं है। इनका एक छोटा सा शिकवा है हमारे जो कमेटी के लोग हैं कि वो इन्हें ज़रा यहाँ पर ही रहने दें, ये मजदूर हैं, मांगते नहीं हैं, बजाय इसके कि ये मांगें अपना छोटा कारोबार करते हैं। तो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने ये इतना अच्छी सोच रखी है। भीख मांगना गुनाह भी है और कानूनन जुर्म भी है। तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं।